हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी मेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खुलासे के बारे में जो कि सैमुअल जैक्सन ने अपने इंटरव्यू में कहा, और ये खुलासा एकदम टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड था। और उन्होंने इंटरव्यू में कैप्टन मार्वल के बारे में बताया कि कैप्टन मार्वल कैसे एवेंजर एंड गेम में आएंगी, रिटर्न होंगी। जी हाँ, तो ये बात है टाइम ट्रेवल थ्योरी के ऊपर। तो सभी जानते हैं कि इससे रिलेटेड काफी थ्योरी आ चुकी है कि एवेंजर एंड गेम में टाइम ट्रेवलिंग होगी, बट सैमुअल जैक्सन ने अभी हाल ही में खुलासा करते हुए ये बताया कि मैं जानता हूँ कैप्टन मार्वल को कि वो क्या कर सकती है, कितना स्ट्रांग है, कितनी तेज उड़ सकती है। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर कोई गलती हो जाती है तो वो टाइम ट्रेवलिंग कर सकती है, वो आगे जाके पीछे सब जगह देख सकती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, और देन जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे अपने एक पेंजर से बुलाऊंगा 20 साल बाद। तो जी हाँ, तो उन्होंने समथिंग एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन से ये बात कनेक्ट करते हुए बताई गई। तो पॉसिबिलिटी 20 साल बाद कैप्टन मार्वल की याद आएगी निक फ्यूरी को, जिसमें कि उन्हें फ्यूचर में कुछ दिक्कत होगी, परेशानी होगी, जिससे कि वो कैप्टन मार्वल की मदद मांगेंगे। तो यानी कि कैप्टन मार्वल 20 साल का टाइम ट्रेवल कर निक फ्यूरी के पास आएगी। तो क्या है इसमें सच्चाई, ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देखते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।